नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एक प्रिंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये ब्रदर का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है 2520। इसमें प्रॉब्लम है कि ड्रम का रिप्लेस करके लेके आ रहा है डिस्प्ले में। आज हम इस प्रिंटर को बनाएंगे और सीखेंगे कि ड्रम रीसेट कैसे करते हैं। तो रीसेट करने से पहले फ्रंट कवर ओपन कर लेते हैं। कवर ओपन करने के बाद में ओके बटन लॉन्ग टाइम आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद में उसमें लिख के आएगा रिफ्रेश ड्रम यस और नो, तो हमको यस करना है रिप्लेस ड्रम को। तो इसके लिए ऊपर का बटन आपको प्रेस करना है, तो ऊपर का बटन प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद में आपका फ्रंट कवर को क्लोज करना है, तो हम फ्रंट कवर क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं हमारा प्रिंटर ठीक हुआ कि नहीं हुआ अभी। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे मिलते रहे। देखिए फ्रेंड, हमारा प्रिंटर ओके हो चुका है और हम एक प्रिंट आउट निकाल के चेक कर लेते हैं प्रिंटर हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ और प्रिंट आउट कैसे आ रहा है। प्रिंटर टेस्ट पेज ओके स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, हमारा प्रिंट आउट निकल के आ रहा है अभी। देखते हैं प्रिंट आउट कैसे आ रहा है अभी। प्रिंट आउट ठीक है वैसे, लेकिन हल्का लाइनिंग आ रहा है, तो ये टोनर यूनिट का प्रॉब्लम है, इसको देखना पड़ेगा।